इसे आसान बनाया है और जिस तरीके से आप सभी इसके अभ्यस्त हो गए हैं उसके लिए आप सभी को मैं पुनः एक बार अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। परफेक्शन माने किसी काम को ठीक तरीके से करना, परफेक्शन आप लोगों की अचीवमेंट नहीं, परफेक्शन आप लोगों की अचीवमेंट नहीं, आपकी ये उपलब्धि नहीं, बल्कि यह आप लोगों की आदत बन चुकी है, ऐसा मैं बार्डो रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मानता हूं। यह बार्डो रोड ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट नहीं है बल्कि यह आप लोगों का स्वभाव बन चुका है, आदत बन चुकी है। यह कोई साधारण बात किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कही जाएगी। और साथियों, आज इस शुभ अवसर पर बार्डो रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा। पूरे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा कि सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा? सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर जैसा होगा, ऐसी मेरी धारणा है। और मुझे पता चला है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हाल में ही शिंकुला सुरंग के निर्माण का भी यह काम सौंपा गया है, जो हिमाचल में लाहौल स्पीति को लद्दाख के जास्कर घाटी से यह जोड़ेगा। यह हिमाचल और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और मुझे यह भी बताया गया है कि 15,855 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित एक और अनोखा यह नया रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ नए रिकॉर्ड्स बना रहा है बल्कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट कर रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। साथियों, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो कारगर होता ही है, साथ ही साथ यदि कोई नेबरिंग कंट्री यानी हमारा कोई पड़ोसी देश हमारे साथ कोऑपरेशन की भावना रखता है तो यह हमारे बीच की कनेक्टिविटी को भी यह बढ़ावा देता है। म्यांमार, भूटान आदि अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर हमारे बीच पीस एंड कोऑपरेशन को बढ़ाने में काफी सहायता की है। इसने सरकार में आने के बाद से ही अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को तेज किया है। और साथियों, आप सभी के प्रोजेक्ट्स यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स और काम करने का तरीका, इसे मैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण मानता हूं, एक बहुत बड़ी इसे मिसाल मानता हूं।